विजय सिंह की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। एक तरफ आज उनके के जमानत वाले केस की अर्जी की सुनवाई होनी है तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका नाम जोड़ दिया गया है। खबरों की अगर माने तो लॉरेंस बिश्नोई ने धनंजय सिंह का भी नाम ले लिया गया है और उसने ये कहा है जो तमाम बाहुबली हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो उनसे हमारा संपर्क है, बाकायदा हमारे लड़के जाते हैं, कोई भी समस्या उनको पड़ती है, कोई भी समस्या हमको पड़ती है तो हम लोग बाकायदा साझे के साथ एक दूसरे से मिलकर अपने गैंग को चला रहे हैं। उधर पंजाब की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इस खुलासे ने सनसनीखेज मचा दी है धनंजय सिंह की खेमे में, जहां एक तरफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट में अब रंगदारी और अपहरण मामले में 7 साल की सजा झेल रहे धनंजय सिंह अभी छूटे भी नहीं हैं कि उन पर एक और आरोप लगा है। इस आरोप को बल इसलिए मिल जाता है क्योंकि विकास सिंह जो कि अयोध्या जिले से बिलोंग करते हैं और धनंजय सिंह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। बताया यह जा रहा है कि हाल ही में जब एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा एक शूटर विकास सिंह को जिसको पनाह दिए थे वो पकड़ा गया था तो उस मामले में विकास सिंह को दोषी पाया गया और बकायदा उनको भी सजा हुई। तो इसके बाद विकास सिंह और बाहुबली सांसद धनंजय सिंह बेहद करीबी माने जाते हैं एक दूसरे का। बिश्नोई ने पंजाब जेल में ये कबूल किया है कि उनका जो तमाम बाहुबली है लोग हैं जो नेता से जुड़े हुए हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तमाम जो बाहुबल के लोग हैं उनसे हमारा संपर्क रहा है और इसमें धनंजय सिंह का नाम भी आता है। और सूत्रों के हवाले से ये जो खबर है ये अपने आप में इस समय दिलचस्प हो जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी। हाल ही में ये मामला तुल तब पकड़ लिया जब सलमान खान जो कि बिश्नोई ने उनको पहले ही चुनौती दी थी कि मेरे निशाने पर अगला निशाना सलमान खान का है, उन्हीं के गुर्गों ने उनके घर पर सुबह 5 बजे फायरिंग की और फायरिंग की जो है वो पूरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश करनी शुरू की और उसके बाद पता चला कि ये बिश्नोई गैंग के ही है जो कि हरियाणा से जुड़े हुए 2 लड़के हैं, बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गों से मिलते हैं और उनसे पनाह लेते हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, 1 लाख रुपये एडवांस लेकर ये सुपारी को अंजाम देने जाते हैं और उनकी ये जो मंशा होती है वो ये दहशत फैलाना चाहते हैं कि बिश्नोई गैंग आज भी अभी जिंदा है, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई और अपना जो वर्चस्व है वो दिखाना चाहते हैं। खास बड़े बड़े जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं उनसे जो पैसा वसूलने का काम है वो करने के लिए उनके मन में दहशत पालने के लिए ऐसा किए थे। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने योगी की भाषा दोहराते हुए ये कहा है कि हमारे महाराष्ट्र और यानी कि पूरे मुंबई में अगर कोई अपराध की दुनिया में जन्म लेना चाहता है तो उसको हम भी मिट्टी में मिला देंगे और जमींदोज कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है वो लॉरेंस बिश्नोई कैसे मजबूत होता जा रहा है जो कि जेल में है और तिहाड़ जैसे जेल के जो कर्मचारी हैं वो भी उनको रखने से मना कर देते हैं। उसके बाद ये जो लॉरेंस बिश्नोई पर एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, मैं आपको अपने अगले वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तमाम जो पल पल की खबरों को जानने के लिए, तमाम जो खबरें हैं वो सच्चाई से जानने के लिए मेरे चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।